वेलकम बैक टू यू एमबी न्यूज। मौसम की लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। और किस जिले से आप ये न्यूज बुलेटिन को सुन पा रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। चलिए देखते हैं देश भर के मौसम का हाल। तमिलनाडु में मूसलाधार बारिश की आशंका, 3 दिनों के लिए अलर्ट जारी। स्कूल कॉलेज बंद, इन राज्यों में गिरेगा पारा। तमिलनाडु में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता और मानसूनी बारिश ने लोगों के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में आज भी यहां के कई जिलों में भारी बारिश की आशंका को व्यक्त किया है, जिसकी वजह से कई जिलों में अलर्ट जारी है। यही नहीं, आईएमडी की चेतावनी के बाद विरुधुनगर समेत कई जिलों के स्कूल और कॉलेजों की छुट्टी की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि पूरे नवंबर तमिलनाडु बारिश की मार झेलता आया है। 24 नवंबर तक यहां पर भीषण बारिश हुई है। लगातार बारिश के कारण राज्य के तापमान में गिरावट हुई है और बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए थे। बीते 3 से 4 दिनों में स्थिति सुधरी हुई थी, लेकिन एक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण एक बार फिर से यहां पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों तक के लिए राज्य में अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक राज्य के कई जिलों में शुक्रवार और शनिवार को मूसलाधार बारिश होने के आसार है। उनमें चेन्नई, कल्लाकुरिची, कांचीपुरम, कुडलोर, कृष्णगिरी, धर्मपुरी, पुडुचेरी और नागपट्टिनम में भारी बारिश की चेतावनी दी है। तो वहीं इस बारिश का असर आसपास के राज्यों पर भी पड़ेगा, इसलिए केरल, कर्नाटक और आंध्र में भी बारिश होने के आसार हैं। और यहां एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल सकता है। जहां दक्षिण भारत का ये हाल है, तो वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज भी हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। आईएमडी ने कहा कि अगले 24 घंटों के दौरान गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश हो सकती है और बर्फ भी गिर सकती है। आपको बता दें, कश्मीर के कई जिलों में तापमान माइनस में चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में मौसम शुष्क रहेगा और सर्दी बढ़ेगी। देश के पहाड़ी राज्यों में बीते कई दिनों से हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा समेत कई आसपास के हिस्सों में ठंड बढ़ गई है। दिसंबर का महीना जैसे जैसे पास आ रहा है, तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। राजधानी दिल्ली में बीते दिन न्यूनतम तापमान से औसतन तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम रहा। वहीं दक्षिण भारत के राज्यों में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। आईएमडी की ओर से जारी मौसम रिपोर्ट के मुताबिक पहाड़ी राज्यों से आ रही शीतलहर ने दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में ठंड बढ़ा दी है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इन दिनों शीतलहर की चपेट में है। दिसंबर के शुरुआती दिनों में दूसरे मैदानी राज्यों में भी शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल सकता है। राजधानी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत पूर्वी भारत के कुछ राज्यों में सुबह के समय धुंध और कोहरा देखने को मिल रहा है। चक्रवाती हवाओं के चलते अगले 4 से 5 दिनों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में छिटपुट से लेकर मध्यम वर्षा होने की संभावना है। ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। हम आपको हर रोज ताज़ा अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए यूएमबी न्यूज़।